सो हे गाइस, बॉडी बिल्डिंग अपडेटेड में आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से जुड़े बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लेटेस्ट अपडेट लेके आप सभी लोगों के लिए मैं आ चुका हूँ। सो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना। एंड नाउ अब बात करते हैं आज की अपनी पहली अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं अपने रुबल धनकर भाई के बारे में। तो रिसेंट में गाइस रुबल धनकर भाई काफी ज्यादा गुस्सा हुए थे, जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, तो उन लोगों के ऊपर वो थोड़ा सा गुस्सा भी हुए थे। एंड उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, आप लोग उनसे खुद ही सुन लीजिए। तो भाई अभी ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी पैदा की जाती है, क्योंकि शांति पसंद नहीं है, अपने काम से किसी को मतलब है नहीं। तो मेरे को वीडियो भेज रहे थे बच्चे, जिसमें एक कोई सप्लीमेंट स्टोर करके भाई को कुछ पता है नहीं, उसे आता कुछ है नहीं, राजवीर की वीडियो लगा के और युद्धवीर की वीडियो लगा के आपस में उसे कनेक्ट कर रहा है। अरे भाई, कॉन्टेंट चलाने का इतना ही शौक है तो खुद में मेहनत करो ना भाई। और ज्ञान दे रहा है राजवीर को कि तू ट्रांसफॉर्मेशन करे, ये करे, व्यू के लिए करे। भाई तुझे क्या मतलब है, जब खुद कुछ अचीव नहीं कर सकते हो, दूसरों के बारे में उंगली उठा रहे हो, और दोनों का कितना प्यार है तुम्हें पता है आपस में, मतलब बनाई है नहीं बनाई है, बस जोड़ दी क्लिप और डाल दी। भाई ढंग का काम कर लो, नहीं आता है तो सीख लो, क्लासेस दे देंगे हम कि कॉन्टेंट कैसे बनाया जाता है, कैसे ग्रो किया जाता है, वो सीख लो। एंड नाउ अब बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले अपने नितिन चंडीला भाई के बारे में। तो रिसेंट में अपने नितिन चंडीला भाई ने अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसको गाइस शेयर कर दिया। एंड आप लोग देख सकते हो कि अपने नितिन चंडीला भाई प्रेजेंट में किस तरह के दिख रहे हैं। एंड इस अपडेट को शेयर करते टाइम वो उसको कैप्शन देते हैं 3 weeks out। एंड गाइस आप लोग को पता है कि 3 weeks बाद ऑलमोस्ट आप लोगों का सेरू क्लासिक ही पड़ेगा। तो इस अपडेट के बाद में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, यानी कि नितिन चंडीला भाई की जो फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि आखिरकार वो सेरू क्लासिक के अंदर कॉम्पीट करेंगे या फिर कोई दूसरा शो चूज करने वाले हैं इस साल का पहला शो। वेल गाइस, हर बार की तरह अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, जैसे कुछ कंफर्मेशन आती है इनके शो के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप लोग का भाई सबसे पहले ले आएगा। तो सब्सक्राइब करने लगा चैनल को। एंड नाउ अब बढ़ते गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने रोहित खत्री भाई के बारे में। तो रोहित खत्री भाई ने अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है गाइस उसको शेयर कर दिया। एंड लिटरली गाइस इस बार रोहित खत्री भाई ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आप लोग को देखने को मिलेगी उनकी फिजिक के अंदर। एंड ये अपडेट आप लोग देख सकते हो, ये अपडेट उन्होंने प्रेजेंट में शेयर किया था। एंड इस अपडेट के अंदर आप लोग देखो गाइस उनके जो शोल्डर हैं वो काफ़ी राउंड शेप में आप लोग को देखने को मिलेंगे, चेस्ट भी आप लोग को फुलनेस उसमें नज़र आएगी। एंड ओवरऑल आप लोग मिड सेक्शन देखो काफ़ी अच्छा एंड काफ़ी अच्छी कंडीशनिंग में आप लोग को देखने को मिलेगा। पहले हम लोग बोल सकते हैं कि इस बार रोहित खत्री भाई एक वेल सेपरेटेड फिजिक लेके आने वाले हैं, बट लेट्स सी गाइस कि उनका फाइनल पैकेज जो होने वाला है इस साल के सेरू क्लासिक के लिए वो कैसा देखने को मिलता है एट द एंड। वेल आप लोग की क्या एक्सपेक्टेशन अपने रोहित खत्री भाई से कि इस साल वो कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, कमेंट सेशन के अंदर आप लोग मुझे आप लोग बता देना। एंड नाउ अब बढ़ते गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि एक शॉकिंग न्यूज आ रही है अपने अरविंद स्पार्टकस भाई की साइड से। एंड वो है गाइस उनके नेक्स्ट शो के रिगार्डिंग। तो रिसेंट में गाइस अपने अरविंद स्पार्टकस भाई ये चीज कंफर्म करते हैं कि वो अपकमिंग सेरू क्लासिक दिल्ली प्रो शो के अंदर कॉम्पीट नहीं करने वाले। तो ऐसा कुछ उनके पर्सनल इश्यूज की वजह से हुआ है, हालांकि उन्होंने कंफर्मेशन तो नहीं दी कि आखिरकार एट द एंड वो रीजन क्या था शो को कैंसिल करने का। पर एक चीज तो गाइस अब कंफर्म हो चुकी है कि अपकमिंग दिल्ली प्रो शो के अंदर हम अरविंद स्पार्टकस भाई को लिटरली मिस करेंगे। बाकी उनकी आई की प्लानिंग क्या है दिल्ली प्रो शो नहीं तो फिर वो कौन सा शो कॉम्पीट करेंगे, क्या उनकी प्लानिंग रहने वाली, अभी तक तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, लेकिन जैसे कुछ कंफर्मेशन देते हैं तो मैं आप लोग को बता दूंगा। बाकी बढ़ते हैं गाइस आज को अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं काफी चर्चाओं में रहे अपने बर्धन मनोत्रा भाई के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग को पता है कि अपकमिंग सेरू क्लासिक के अंदर कॉम्पीट करने वाले हैं एंड ये मेंस फिजिक डिवीजन के एथलीट हैं। सो गाइस रिसेंट में अपने वर्धन मनोत्रा भाई ने अपना प्रेजेंट टाइम का जो फिजिक अपडेट है उसको गाइस शेयर कर दिया। एंड आप लोग देख सकते हो कि इस अपडेट के अंदर कैसे दिख रहे हैं, किस तरह की कंडीशनिंग को उन्होंने अचीव कर लिया अभी आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोग को सबसे शॉकिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि उनकी बैक भाई कितनी ज़्यादा स्मॉल लग रही है। एंड उनकी बैक देखो एक अच्छी वी टेबल शेप में आप लोग को देखने को मिलेगी, काफ़ी अच्छी सेपरेशन उनकी अभी बॉडी में देखने को मिलेगी आप लोगों को। एंड हम लोग बोल सकते हैं वेल सेपरेटेड बॉडी को उन्होंने मेंटेन कर रखा है, बाकी लेट्स सी। एंड नाउ बढ़ते हैं गाइस आज की अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स एंड उनकी न्यूज़ रिगार्डिंग। एंड इस पर हम लोग बात करने वाले हैं अपने निक वॉकर के बारे में। काफ़ी टाइम के बाद जाके इनका मैं अपडेट आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हो अपने जो निक वॉकर हैं वो किस तरह के दिख रहे हैं। एंड लिटरली इस अपडेट के अंदर निक वॉकर आप लोग को प्रीवियस वर्जन से काफ़ी ज़्यादा ह्यूज देखने को मिलेंगे, हालांकि उन्होंने अपनी जो प्रेजेंट फिजिक है उसके साथ में ज़्यादा सेक्रीफाइस तो नहीं किया,
दैट मीन्स वो जिस फिजिक के लिए जाने जाते हैं उससे वो ज्यादा सेक्रीफाइस तो नहीं करते अपने ऑफ सीजन होने के बावजूद भी। बाकी गाइस जितना मुझे लगता है कि निक वॉकर का इस साल का जो प्रोटोकॉल रहने वाला है मिस्टर ओलंपिया तक, वो गाइस यही रहने वाला है कि एक वेल सेपरेटेड फिजिक को मेंटेन करना एंड उसके साथ साथ लीन मसल मास को भी गेन करना। बाकी आप लोग उनका ये वाला जो फिजिक अपडेट है वो गाइस कैसे लगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बताना। सो गाइस आज के वीडियो में तो सिर्फ इतने अपडेट्स थे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लेना एंड मैं मिलता ना इस वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय गाइस।